हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में सर हम लोगों ने डिस्कस करा था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात हमने करी थी। आज हम लोग पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की चर्चा करने वाले हैं। चलिए आइए चलते हैं क्लास में और चलते हैं क्लास में और पढ़ते हैं क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर। आइएगा जी, देखिएगा जी, एक बात समझिएगा, क्यों बढ़ती है एडमिशन नए पार्टनर की जरूरत। एडमिशन मतलब एडमिट हो जाना, नया पार्टनर एडमिट होना क्यों होता है सोचिएगा जरा आप बताइएगा। तो देखिएगा जी, जब दो या दो से अधिक पार्टनर, मान लेते हैं तीन पार्टनर मिलके बिजनेस कर रहे हैं, अब उन वो पार्टनर और बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या कैपिटल की कमी हो जा रही है, नहीं पूंजी की कमी हो जा रही है। तो फिर वो तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं क्यों ना एक नया पार्टनर इंक्लूड कर लिया जाए, जिससे क्या होगा, जिससे मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा और बिजनेस हम आगे बढ़ाएंगे। अब भाई नया पार्टनर आएगा तो क्यों आएगा, उसको भी कुछ मिलना चाहिए। तो फिर वो एक रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, कौन, सारे पार्टनर मिलकर, नहीं, हाँ जी। और उसके साथ साथ चूंकि आप बोलता है भाई साहब ऐसा है, तीन पार्टनर ने इतना मेहनत करा और एक गुडविल बनाया, एक एक मेहनत करा, एक एक रेपुटेशन बनाया फर्म का, तो वो भाई ऐसे तो हम नहीं दे देंगे। तो उसके बिहाफ में कैपिटल के साथ साथ नए पार्टनर को एक रेपुटेशन ऑफ द फर्म लाना पड़ता है, जिसको हम लोग गुडविल कहते हैं, नहीं। और उसी की चर्चा हमें आज के क्लास में करनी है। आइए एक एक करके इसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आइएगा जी, देखिएगा सबसे पहले क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत अ पर्सन कैन एडमिटेड अ न्यू पार्टनर आइदर विद अ कंसेंट ऑफ ऑल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट ऑलरेडी इंटर्ड इनटू प्रोवाइडिंग फॉर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए दो तरीका है रास्ता, एक तो बोला भाई साहब तीनों पार्टनर जितने भी तीनों ना एग्जिस्टिंग, ऐसे बोलेंगे हम लोग कि जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, ऑलरेडी जितने पार्टनर्स हैं सबकी सहमति मिल जाए तब हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, या दूसरा अगर कोई प्रोविजन बना के रखा है, आपने कोई एग्रीमेंट किया है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड बना के रखी है, तो उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, उसका एंट्री करा सकते हैं, एडमिट करा सकते हैं। नहीं देखिएगा नेक्स्ट कह रहा है, इन एनी केस, कोई भी केस में, व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर्स टू मेन राइट्स ऑफ द फर्म। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो क्या करता है, दो मेन राइट एक्वायर कर लेता है, क्या क्या, कह रहा है शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, एसेट्स जो फर्म का एसेट्स है उसमें क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है कि भाई ये मेरा ही भी हिस्सा होगा, और शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ये दोनों कर लेता है, नहीं, हाँ। जब कोई पार्टनर एडमिट लेता है तो पार्टनर्स का वो कुछ हिस्सा भी ले लेता है एसेट्स का और प्रॉफिट में हिस्सा भी ले लेता है। कह रहा है फॉर एक्विजिशन ऑफ द फर्स्ट राइट, पहला राइट के एक्विजिशन के लिए, जो पहला राइट क्या था एसेट के लिए, ही यूजुअली ब्रिंग्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल। बोल रहा भाई साहब पहला राइट, उसको एसेट ऐसी तो नहीं देगा, बोलेगा भाई साहब फोकट का तो नहीं आता है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करेगा, बोलेगा एक काम करो कैपिटल लेके आओ कुछ, है ना, कुछ पैसा लेके आओ, भाई हम क्यों देंगे एसेट। तो वो क्या कर रहा है, पहला राइट के एक्विजिशन के लिए वो कैपिटल लाता है ना, जो जिस अमाउंट में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को लाने के लिए कहता है, एंड कहता है फॉर द सेकेंड राइट, दूसरा राइट के लिए प्रॉफिट मिलेगा उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, ही इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल कॉल्ड प्रीमियम व्हिच विल बी शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बिकॉज दे सेक्रीफाइस द पार्ट ऑफ देयर शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट इन हिज फेवर। बोला है देखिए सेकंड पार्ट के लिए वो केले क्या लेके आता है, वो कंपनी के रेपुटेशन जो होता है उतने दिन से, उसको गुडविल कहते हैं, वो लेके आता है कि भाई इतना अमाउंट तुम लेके आओ, मेरा गुडविल है इस चीज के लिए, कौन बोलते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलते हैं। तब नया पार्टनर गुडविल भी लेके आता है और क्या बोलता है, अब ये गुडविल पार्टनर्स जो होते हैं पुराने वो अपने अपने में बांट लेते हैं, नया पार्टनर को उससे कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि वो उनकी मेहनत रहती है तब तक की, नहीं, हाँ जी सर। तो वो क्या करते हैं अपने में डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कह रहा है एट दिस स्टेज द पार्टनर्स में ऑल्सो लाइक टू अपडेट द वैल्यूज ऑफ फर्म्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू अवॉइड अनड्यू लॉस प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर एज वेल एज द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब देखिए चूंकि यहाँ पे जब आ रहा है पार्टनर, तो नया पार्टनर आ रहा है तो चेक करेगा ना भाई कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटी है, हम कोई लॉस मेकिंग फर्म पे तो काम नहीं कर रहे हैं, वो सारा चीज चेक करेगा, ठीक है। उसके लिए वो क्या करता है, सारा चीज को अपडेट करता है, सारा चीज को वैल्यूज करता है, नहीं। Thus a number of adjustment are needed at a time of admission of new partner. So बहुत सारा एडजस्टमेंट करता है कौन,
न्यू पार्टनर के आने की वजह से नहीं, जब एडमिशन होता है देखिए क्या क्या एडजस्टमेंट होता है। तो जब नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, नहीं? हाँ जी बिल्कुल। तो पहला ये क्या होगा, एनपीआर निकालेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा कैलकुलेट करेगा सेक्रीफाइस रेशियो, भाई कितना सेक्रीफाइस किया वो लोग। तीसरा ट्रीटमेंट करेगा गुडविल का। चौथा करेगा एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे उसको रिवैल्यू करेगा, नहीं? हाँ जी। और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल, फिर पार्टनर के कैपिटल का क्या करेगा, एडजस्टमेंट करेगा, और जिसको हम लोग क्या बोल रहा है, वी शैल डिस्कस दोज मैटर्स वन बाई वन। आगे एक एक करके ये सारे मैटर्स हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आइए जी एक एक करके पढ़ते हैं, ध्यान ध्यान से। नहीं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करते हैं। कह रहा है एन इनकमिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर ए फ्यूचर शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। बिल्कुल सही, जो इनकमिंग पार्टनर है वो फ्यूचर में प्रॉफिट तो लेगा ही, बिल्कुल लेगा सर। तो वो क्या है, एंटाइटल है। कह रहा है ही एक्वायर्स ही दिस शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। मोटा भाई साहब जो नया पार्टनर आएगा वो ओल्ड पार्टनर से क्या करेगा, एक्वायर्स कर लेगा सारी चीजें, नहीं? हाँ जी सर। कह रहा है हेंस व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, इट बिकम्स नेसेसरी टू डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा कि भाई आप नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, क्योंकि ओल्ड तो पुराने लोगों के लिए, नया वाला आएगा वो भी तो हिस्सा लेगा। हाँ जी सर। तो कह रहा है दिस डिपेंड्स अपॉन हाउ द न्यू पार्टनर एक्वायर्ड इज प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर। मतलब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से नया पार्टनर जो है वो अपना प्रॉफिट लेना चाहता है या लेता है। कह रहा है देयर आर पॉसिबिलिटीज ही मे एक्वायर इन द सेम रेशियो इन विच दे वर शेयरिंग द प्रॉफिट ओल्ड रेशियो। मोटा भाई साहब हो सकता है जिस रेशियो में पहले ओल्ड पार्टनर था वही रेशियो में वो भी आ जाए। फिर क्या दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, बोलता है इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। अब बोल रहा है ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो पुराना पार्टनर है उससे इक्वली इक्वली ले ले, जैसे मान लेते हैं एक पार्टनर का 2:1 का रेशियो है, दो पार्टनर्स हैं ऑलरेडी पेज में और 2:1 का रेशियो है। बोला भाई साहब एक काम करो, हमको तुम भी इक्वल दे दो, ए से भी इक्वल ले लो और बी से भी इक्वल ले लो, दो पार्टनर है ए और बी और सी एडमिट होने वाला है। तो बोल रहा है ऐसा करो भाई तुम दो ए से भी हमको इक्वल वाला दे दो और बी से भी इक्वल दे दो, तो इक्वल इक्वल आ जाएगा, तो जो पार्ट होगा वो मेरा हो जाएगा। सी ऐसा बोल रहा है, नहीं तो इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स ये भी कर सकता है। तीसरा ऑप्शन बन सकता है कि सम एग्रीड रेशियो, कुछ एग्रीड रेशियो हुआ कि भाई हम तुमको इतना दे देंगे इतना ही में तुम खुश रहो, वो उससे आ सकता है। बोला होली फ्रॉम वन पार्टनर, या जिस पार्टनर से अब मान लो ए और बी पार्टनर है, अब ए का 2 रेशियो है और बी का भाई साहब कितना है 1 है, तो ये तो गलत बात है। तो ऐसा भी कर सकता है पार्टनर, बोलेगा भाई साहब एक काम करो पार्टनर ए सी को लाइए रहे हैं तो तुम पूरा का पूरा हिस्सा तुम ही एक्वायर कर लो, तुम ही दे दो इसी से ले लो, नहीं? हाँ जी ऐसा भी हो सकता है। कह रहा है इट शुड बी नोटेड दैट द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द न्यू पार्टनर्स एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है कि क्या बोल रहा है कि ऐसा माना जाता है कि जो नया पार्टनर्स आएगा, ठीक है, या एक्वायर करेगा वो प्रॉफिट शेयर इज ओल्ड रेशियो में करेंगे, नहीं? हाँ जी। कह रहा है दिस मींस दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन द ओल्ड रेशियो। क्या बोल रहा है, इसका मतलब है कि ओल्ड पार्टनर्स कंटिन्यू किसमें करेंगे, जो प्रॉफिट रिमेन करेंगे वो ओल्ड रेशियो में करेंगे, नहीं? हाँ जी। तो बस सिंपली ये जानिएगा 3-4 तरीका है जिससे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा। अब डिपेंड करता है वो सिचुएशन पर, एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं, इलस्ट्रेशन हमने ले रखा है, आइए उसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे समझते हैं, नहीं? देखिएगा जी नेक्स्ट चलते हैं, आइए क्या बोल रहा है, बोल रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 2:1। पी और क्यू पार्टनर्स है जिसका रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है, 2:1 है। दे एडमिट आर, आर को एडमिट कर रहे हैं वो, और एग्री टू गिव 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, 1/5 शेयर देना उन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्या भाई 1/5 शेयर हम दे देंगे दोनों मिलके, नहीं? दोनों मिलके कितना दे रहे हैं, 1/5 शेयर दे रहे हैं, ठीक है। कह रहे डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब इसको ध्यान से समझिएगा कि पी और क्यू दो पार्टनर्स थे, 2:1 का रेशियो था, यानी कि अगर मैं बात करूं 2/3 पी का और 1/3 किसका, क्यू का था, नहीं? हाँ जी सर। आर आ रहा है कितने से लिए, 1/5 शेयर के लिए। तो मैं ये कहूं कि अगर तीन पार्टनर हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये कहूं कि तीन पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर में से जैसे का जो रेशियो होगा 1 होगा, तो ये गलत नहीं होगा,
बिल्कुल नहीं सर, क्यों? क्योंकि अगर हम तीन पार्टनर को मिला दे तो वो एक फर्म बन जाता है। तो ए इक्वल टू क्या मतलब, जैसे पी और क्यू और आर इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, नहीं? हाँ सर, हो जाएगा। अब चूंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जब जो R है, ये R कितने के लिए आ रहा है, R आ रहा है जी, ये ध्यान दीजिएगा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, R आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, नहीं? हाँ जी सर। तो R अगर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो मैं ऐसा कहूं कि 1 में से 1/5 को माइनस कर देंगे तो 4/5 जो शेयर है वो P और Q का है, कह सकते हैं ना? हाँ सर, कह सकते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना है, कुछ है नहीं, सिंपल सा ही चीज है कि भाई साहब 1/5 तो ऑलरेडी बता दिया कि आर का शेयर है, तो उसको तो भी हटा दो। तो वही कह रहा है सॉल्यूशन में, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है सॉल्यूशन सिंस द नथिंग इज स्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट आर एक्वायर्स हिज शेयर पी एंड क्यू इन द ओल्ड रेशियो, सो पी एंड क्यू विल शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन द ओल्ड रेशियो, द न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। देखिएगा, चूंकि यहां कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है इसी रेशियो में हम क्या मान लेंगे कि पी और क्यू दे देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो सिंपल सा बात है, आर का शेयर कितना था, ये ध्यान दीजिए, आर का शेयर कितना था 1/5। अब टोटल शेयर कितना हो जाएगा, अगर मैं टोटल की बात करूं पी क्यू आर, तो इक्वल टू 1 कह सकते हैं कि टोटल को मिला देंगे तो 1 हो जाएगा। हाँ जी सर। अब रिमेनिंग शेयर मतलब 1 - 1/5, ये 1/5 है, ध्यान दीजिएगा 1/5 है। अब ये 1 में से 1/5 आ जाएगा, तो इसको 4/5 इसको बोलेंगे, 1 - 1/5 देख लीजिएगा, ऐसे कर लीजिए 5, ठीक है, यहाँ ये 1 लीजिए, ये 5 माइनस ये 1 लीजिए, यहाँ 4/5 आ जाएगा, देखने है? तो ये सर ये सब तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बता दो, चले ठीक है, देखिएगा। हाँ, तो अब क्या गया, 4/5 रिमेनिंग शेयर। अब देखिए पी का शेयर, अब पी का शेयर कैसे निकालेंगे सर, एक बात सिंपल सा बात जान लीजिए, 2/3 इसका था। हाँ सर, अब ये कितना शेयर उसको देगा सर, 2/3 का 4/5 शेयर देगा, क्यों? क्योंकि 4/5 शेयर ही तो था दोनों का मिलके, ये जो अभी आप देखना, एक में से 1/5 किए, तो 1/5 किसका शेयर था, आर का, तो क्यू का, पी और क्यू का कितना हो जाएगा सर, 4/5, तो यही 4/5 नहीं हम ले लेंगे, ओल्ड शेयर कितना था 2/3, और 4/5 क्या नया शेयर में से ले लेगा, तो 2/3 का 4/5, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और 5 × 3 = 15, 8/15। फिर आ जाइए क्यू का शेयर कितना था सर, सेम 1/3 × 4/5, तो कितना हो जाएगा, 4/15। अब 1/5 शेयर के लिए ये था क्या, 1/5 शेयर के लिए आर का शेयर था, तो जब 1/5 है, लेकिन इधर देख लीजिए आप, इसका जो डिनोमिनेटर में 15-15 है, तो इसको 3 से ये कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/15, और रेशियो निकल के क्या आ जाएगा सर, रेशियो निकल के आ जाएगा जी 8/15, 4/15 और 3/15, तो 8:4:3 ये हो जाएगा क्या आंसर, ये लीजिए जी, पहला आपका खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ सी का जो शेयर था, सॉरी आर का जो शेयर था 1/5, उसको उसको दे दिया गया है, किससे, पी और क्यू के ओल्ड शेयर थे उससे काट के, नहीं? हाँ जी सर, ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट चलेंगे इलस्ट्रेशन टू। इलस्ट्रेशन टू में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, सपोज इन इलस्ट्रेशन वन में इट इज स्पेसिफाइड दैट आर एक्वायर्ड हिज शेयर प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, तो हमने ओल्ड प्रॉफिट रेशियो जो था, ओल्ड शेयरिंग रेशियो जो था, उससे उसी रेशियो में बांट दिया, लेकिन यहां मेंशन कर दिया कि भाई पी से भी हम कितना लेंगे, इक्वली लेंगे, इक्वली मतलब पी और क्यू दो लोग हैं, तो दो लोग हैं तो आधा आधा ले लेंगे उससे, तो आधा आधा मतलब 1/2 हो जाता है। हाँ सर, और पी का शेयर कितना था, पी का शेयर था सर 2/3, यही था, है ना, था कि नहीं? हाँ जी सर, एक बार देख लें, आइए देख लेते हैं, हाँ 2/3, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, पी और क्यू दोनों से इक्वली ले लिया, कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए लिया था, ये तो शेयर किसका था, ये शेयर था जी पी का, और क्यू का कितना था 1/3, ध्यान रखिएगा। तो 1/2 जो था वो किससे लेना था, इक्वली लेना था किससे, बाय 1/5 के शेयर से, क्यों, क्योंकि वो आर का शेयर था, तो 1/2 × 1/5, तो क्या हो जाता है 1/10। अब 1/10 किससे लेगा, पी से भी लेगा और 1/10 क्यू से भी लेगा। आइए मैं यहां आपको अच्छे से समझाता हूं, पी एक मिनट, पी एंड क्यू का रेशियो क्या था,
2:1, ठीक है। हाँ जी सर, नया प्रॉफिट रेशियो आया, बोला भाई साहब कितना में इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं इक्वली 1/2 का। आर का रेशियो कितना, जो नया पार्टनर एंट्री ले रहा था वो आया था 1/5 शेयर के लिए, बिल्कुल सही। अब तो आर 1/5 शेयर के लिए ले रहा था और इक्वली लेना था दोनों से, तो इक्वली लेना था मतलब 1/5 का 1/2 आधा आधा लेगा ना दोनों से, तो 1/5 का 1/2 यानी कि 1/10 दोनों से लेगा, 1/10 किस से, पी से मिलेगा और क्यू से मिलेगा, तो 1/10 यानी कि पी का देखिए 2/3 माइनस 1/10 इसको करिएगा तो आ जाएगा कितना, यहां 30 कर लीजिए, यहां 10 दूने 20 कर लीजिए और माइनस 3 कर लीजिए यानी कि 17/30 देख लीजिए, यही होना चाहिए, यही है देख लीजिए 17/30 आ गया ना। उसी तरीके से आपको सेम करना है कि 1/3 में 1/10 फिर घटाना है, 10 माइनस 3 हो जाएगा 7/30 हो जाएगा। और चूंकि R का शेयर 1/5 है और इसके डिनोमिनेटर में इसके बराबर लाना है तो हम क्या करेंगे 6/6 कर देंगे तो 6/30 ये भी आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा 17/30, 7/30 और 6/30 यानी कि 17 × 7 × 6 और यही क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, क्लियर है। हाँ जी सर क्लियर, बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करते चले जाना है, आपका आंसर क्लियरली आते चला जाएगा, नहीं। हाँ जी सर चलिए नेक्स्ट में चलें, हाँ सर चलते हैं, आइए थर्ड नंबर में चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिएगा, कह रहा है सपोज इन इलस्ट्रेशन नंबर 1 इट इज स्पेसिफाइड दैट आर एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम पी एंड क्यू इज द 1:2 रेशियो। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले बोला भाई साहब हम 2:1 के रेशियो में देंगे, जो ओल्ड रेशियो उसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं था, हमने ओल्ड रेशियो बांट दिया। दूसरा बार बोला एक काम करते हैं जो रेशियो है ना उसको हम बांट देंगे किसमें, उसको हम 1:2 के रेशियो में बांट के दे देंगे, ठीक है। 1:2 मतलब एक जो P अपना कंट्रीब्यूट करेगा वो एक हिस्सा करेगा और दो हिस्सा कौन करेगा, क्यू, क्यू से ले लेंगे, नहीं वही बोल रहा है। हाँ जी तो बोल रहा है क्या, सिंस सॉल्यूशन R रिक्वायर्स 1/5 शेयर इन प्रॉफिट 1:2 रेशियो फ्रॉम P एंड Q, इट मींस 1/5, ठीक है 1/5 ये 1/3 है, इसको 1/3 कर लीजिएगा, 1/3 और 1/5, ठीक है। अब 1/3 × 1/5 क्योंकि 1/3 मेरा क्या था, ये रेशियो दिया गया, देख लीजिए दिया गया ना कि P और Q से किस किस रेशियो में बांटेंगे, तो 1/3 और इसका 1/5 आपको टोटल शेयर था किसका, आर का, जो आर एडमिट हो रहा था, तो ये कितने शेयर के लिए आएगा भाई, 1/15 के लिए, और फिर उसके बाद सॉरी कितना शेयर लेगा किससे, पी से, और क्यू का क्या हो जाएगा भाई, क्यू का हो जाएगा 2/3 × 1/5 यानी कि 2/15 देख रहे हो। हाँ जी सर तो आइए यही देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ है, 2/15 ये भी, ये 2/3 है, ये 1/5 है, तो मिला जुला के क्या बोल रहा है, बोल रहा है सर ए P और Q किसे लिया, 1/15 और P सॉरी 1/15 फ्रॉम P और Q से कितना सर 2/15, तो 1/15 और 2/15 देखिए आ गया रेशियो। अब क्या बोल रहा है, P का शेयर कितना हो जाएगा, 2/3 में से 1/15 को हटा देंगे तो 1/15, चूंकि 1/15 हिस्सा ही तो वो ले रहा था, कौन सर P, P कंट्रीब्यूट कर रहा था या P दे रहा था किसको, Q को, Q का शेयर कितना सर 1/3 में से 2/15, सर P और Q का रेशियो कहाँ है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो ये रेशियो दिया हुआ ना P एंड Q का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही रेशियो यहाँ पे नीचे बोला गया है, तो इसीलिए लिखा गया इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, तो हर बार आपको अगर P एंड Q में कंफ्यूजन हो कि किस रेशियो में है तो ये 2:1 के रेशियो में है, ध्यान रखिएगा, तो वही 2/3 और 1/3 यहाँ दिख रहा है, तो अब इसका वैल्यू करिएगा तो 9/15, 3/15 और ये भी 3/15 आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा 9:3:3, वेरी मतलब बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत टफ वाला काम नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है सपोज इन इलस्ट्रेशन अबव इट इज स्पेसिफाइड दैट आर गेट्स 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स होली फ्रॉम पी। अब देखिएगा अभी तक P और Q दोनों से ले रहा था R अपना शेयर, ठीक है। हाँ जी सर लेकिन अब सिर्फ किससे ले रहा है, अब सिर्फ वो P से ले रहा है, तो सिर्फ P का काम करेंगे, जो Q का और R का शेयर है हटा देंगे, तो बोला क्या कि P का शेयर कितना था जी 2/3, उसमें से टोटल शेयर किसने खरीद लिया, टोटल शेयर 1/5 जो था R का वो आ रहा था, सो कितना था 1/5,
अब इसमें माइनस करिएगा तो ये 7/15, ये 7/15 किसका, पी का शेयर हो गया। अब क्यू का शेयर तो भाई कुछ तो था ही नहीं, 1/3 के लिए था, 1/3 रहेगा, लेकिन यहाँ 15 नीचे है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/15। उसी तरह से 1/5 शेयर के लिए आ रहा था और ये डिनोमेटर में 15 है तो इसको क्या करेंगे, बस देखिए जैसे इसको समझिएगा 1/5 शेयर के लिए आ रहा है लेकिन ऊपर हमें 7/15 है तो इसको इसके डिनोमिनेटर को भी तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए बस 3 से क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये देखिए 3/15 आ जाएगा। नहीं तो इसका रेशियो क्या हो गया, 7/15 रेशियो 5/15 रेशियो 3/15। देखिएगा ये बेसिक चीज है, मैं आपको अभी बता रहा हूं और प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस होंगे इसके वो उसका एक अलग सीरीज में निकाल दूंगा जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। ये बस एग्जांपल समझने के लिए कि देखिए क्या क्या तरीके से कैसे कैसे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी जो कॉमर्स का जो पेपर हुआ है उसमें से पहला वाला जो क्वेश्चन कराया गया वो क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। अब आइए जी 5 नंबर इलस्ट्रेशन में ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ए बी पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 3:2। अब देखिएगा यहां चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी तक जो हम लोग क्या कर रहे थे सिर्फ 4 क्वेश्चन जो हम लोग थे एक ही क्वेश्चन के बेस पर बना रहे थे, ध्यान दीजिएगा। आइए एक बार मैं फिर डिस्कस कर लूं ताकि आपको इजी हो जाएगा। पी क्यू का रेशियो क्या था, 2:1, यहां भी 2:1, आपका इलस्ट्रेशन 2 में 2:1, इलस्ट्रेशन 3 में 2:1, इलस्ट्रेशन 4 में भी 2:1 ही था, क्या पॉल्ड रेशियो है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो बिल्कुल अलग है। क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी पार्टनर है इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, यहां 3:2 आ गया। सी एडमिट हुआ एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है, और ए सैक्रिफाइस कितना किया, 1/3, ये 1/3 है, 1/3 यार एक मिनट, ये क्या है 1/3 है। एंड बी कितना किया, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, अपने अपना शेयर का भाई साहब सैक्रिफाइस कर दिया, ये बोला ठीक है हम बहुत महान आदमी हैं, मेरा जितना हिस्सा था उसमें से हम 1/3 हिस्सा दान कर देते हैं, किसको, सी को। और फिर बी बोला भाई साहब मेरा जितना हिस्सा था उसमें से हम अपना 1/4 हिस्सा दान कर देते हैं, किसको, सी को, नहीं हाँ चलिए आ जाइए। तो एक सैक्रिफाइस कितना किया ये ध्यान दीजिए, बी तो 1/3 सैक्रिफाइस किया, किस कौन अपना हिस्सा का, इसका हिस्सा कितना था, 3:2 3/5 और 2/5 ये था ना ए और बी का। अब ध्यान दीजिएगा ए का सैक्रिफिकेशन कितना था, सॉरी ए का सैक्रिफाइस कितना किया, तो 3/5 उसका हिस्सा था, उसमें से 1/3 उसने बोला कि हम क्या करेंगे सैक्रिफाइस कर देंगे, तो उसका वैल्यू कितना आ गया 3/15। अब बी कितना सैक्रिफाइस किया, बोला भाई साहब हम 1/4 बोले थे, देखिए 1/4 हम बोले थे ना, हम 1/4 सैक्रिफाइस कर दे रहे, किसमें से, जो मेरा हिस्सा था, हिस्सा कितना था, हिस्सा था भैया मेरा 2/5 मेरा हिस्सा था, उसमें से हम 1/4 क्या कर दिए सैक्रिफाइस कर दिए, तो 2/20 हो गया। अब सी का शेयर कैसे होगा, तो भाई साहब सिंपल सी बात है ना, जितना ये दोनों सैक्रिफाइस किया वही तो सी का शेयर है, नहीं कि ये सैक्रिफाइस किसके लिए किया, ये सैक्रिफाइस सी के लिए किया, ये भी सैक्रिफाइस किसके लिए किया, सी के लिए किया, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या सी का हिस्सा नहीं मिल पाएगा, आएगा। तो देखिए 3/15 और 2/20 को जोड़ दिया, 18/60 आ गया। अब सर एक चीज हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें इन तीनों डिनोमिनेटर के को क्या करना है, कॉमन करना होता है, जैसे यहाँ 3/15 आया, 2/20 आया, 18/60 आया, तो सर हमें कॉमन करना होगा इसको, बिल्कुल कॉमन करना होगा। तो आइए इसको कॉमन कैसे कर दिया गया, देखिए सबसे पहले अब एक देखिएगा, एक का शेयर कितना था सर 3/5 और उसमें से ए ने सैक्रिफाइस कितना किया 3/15, तो इसमें से आप देखिए 3/5 - 3/15 ये कर लीजिएगा तो 15 यहां आ जाएगा, ठीक है दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और उसके बाद फिर यहां कर लीजिए आप 3 * 9 - 3 यानी कि 6/15, यही 6/15 यहां आया, देखिए आ गया। फिर उसी तरह बी का शेयर 2/5 था, उसमें से बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 2/20, तो इसको ये वैल्यू पुट करिएगा तो आ जाएगा कितना 6/20। अब ये वैल्यू ध्यान दीजिएगा कि 2/20 ये 6/15 और 6/20 अगर इसको आप निकालिएगा ना, एक मिनट रुक जाइएगा मैं आपको दिखाता हूं, हाँ जी ये देखिए ये वैल्यू कहां गया, सी का शेयर ये और ए का शेयर और बी, ये आप देखिए तीनों एक जैसा हो जाएगा, कितना ए का शेयर 24/60, बी का शेयर 18/60 और सी का शेयर कितना 18/60।
इस वैल्यू कितना आ जाएगा 24, 18, 18। अब बोलिएगा सर एक अशेयर तो हम निकालते 6/15, तो सेम काम करना भाई साहब क्या कि ये जो डिनोमिनेटर है ना 18/60 इसके बराबर हमको हमेशा करना पड़ता है। और डिनोमिनेटर देखिएगा एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं, आइएगा देखिएगा जी। जैसे मान लेते हैं कोई वैल्यू ए की वैल्यू दी हुई है 5/60 ठीक है, और सी की वैल्यू दी हुई है 3/20, तो हमें हमेशा डिनोमिनेटर के बराबर करना होता है कोई भी वैल्यू को इक्वलेशन रेशियो इक्वल करने के लिए हमें इस डिनोमिनेटर के वैल्यू के बराबर करना होगा। तो यहां देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है 20 और कितना इंटू करेंगे तो 60 के बराबर पहुंच जाएंगे, तो हम 3 इंटू करेंगे तो 60 के बराबर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 और 23 23 60, तो ये रेशियो हो जाएगी 9/60। तो ए और सी का रेशियो क्या होगा 5:9 क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर बराबर हो चुका है। ठीक इसी तरीके से यहां भी किया गया है, इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। अब चले क्वेश्चन नंबर 6 में आइए चलते हैं। क्या कह रहा है पी और क्यू पार्टनर्स है नहीं, और शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली इक्वली इक्वल इक्वल पार्टनरशिप है नहीं। कह रहा है आर इज एडमिटेड एज ए पार्टनर एंड न्यू रेशियो इज फिक्स्ड 4:3:2, कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला सिंपल होता है कि सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया सर कि इक्वली है पी क्यू, इक्वली मतलब 1/2 ठीक है, 1/1/2 दोनों का हिस्सा है, तो बोल रहा है पी का कितना 1/2। आप देखिए नया रेशियो क्या था 4:37:9 4/9, तो पी का ओल्ड शेयर कितना था 1/2 और नया शेयर कितना 4/9, इसको ये करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 1/18। क्यू का उसी तरह से 1/2 - 3/9, इसको ये वैल्यू करिएगा तो आ जाएगा 3/18 और नया रेशियो क्या हो जाएगा 1/3 ठीक है। ये सिंपल है और बेसिक, बहुत बेसिक है, इसमें से कुछ है ही नहीं। नहीं हाँ जी सर सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलिए जी अब चले नेक्स्ट, चलिए आइए अब है जी गुडविल। नहीं गुडविल की बात करते हैं अपन, क्या होता है गुडविल सर बताइए। देखिए गुडविल किसी भी फर्म का रेपुटेशन को बोलते हैं, नहीं कि कितना दिन, जैसे एक फर्म लगातार शुरुआत से काम कर रही है और उसने 4-5 साल में एक अच्छा नाम कमाया है ठीक है, तो उसका रेपुटेशन को कहते हैं हम क्या गुडविल। आइए देखते हैं और उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। देखिएगा जी कह रहा है मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल रेफर्स टू द रेपुटेशन और गुड नेम ऑफ द फर्म। किसी फर्म का रेपुटेशन या गुड नेम को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी गुडविल ठीक है। हाँ जी सर कह रहा है इट इज अ फोर्स विच मेक ओल्ड कस्टमर टू गो ओल्ड प्लेसेस, द फर्म एंजॉइंग गुडविल नीड नॉट स्पेंड सो मच सेलिंग देयर प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है फर्म एंजॉय क्या करता है गुडविल नीड नॉट, मतलब बोलता है भाई साहब ऐसा है कि जब गुडविल बन जाती है तो उसको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर पिज्जा की आपको जब जरूरत होती है तुरंत दिमाग में डोमिनोज आता है, क्यों? क्योंकि उसने भाई साहब ब्रांडिंग बहुत अच्छी करी है, उसने उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, लोग इंजॉय करते हैं उसका पिज्जा को, तो आप आपको बहुत ऐसा नहीं कहता है पिज्जा की भाई ये करते रहो, नहीं आपको मजा जब पसंद आता है पिज्जा की बात आती है तुरंत चल जाते हो कहां डोमिनोज। तो इसीलिए उसकी गुडविल क्या है बहुत अच्छी बनी है। कह रहा है इट इज दिस फोर्स which facilitates the firm to earn and above the normal profits, thus it a firm is said to have goodwill when it earns profits in the excess normal profit also called super profit। जब आप normal profit से ज्यादा profit कमाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं super profit। accordingly goodwill is defined at the present value of a firm anticipated excess earnings। कहता है this definition is normally found acceptable to courts in the accounting literature। The word excess may mean, excess का क्या मतलब हो सकता है? कह रहा है excess rate of return on tangible over and above normal rate of return earned by the representative firms in the industry। बोल रहा है excess का मतलब होता है कि जो excess rate of returns की वजह से tangible assets पे हम कमाते हैं उसको बोल रहे हैं, और above normal rate of return की वजह से। कह रहा है excess earnings over a comparable new firm। अब देखिए कोई नया firm की अपेक्षा में हम क्या कर रहे हैं एक्सेस अर्निंग कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या एक्सेस कह सकते हैं। कह रहा है अब नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों पड़ता है भाई, क्या जरूरत है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का? कहता है द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, ये सारे सर्कमस्टेंसेस में आपको वैल्यूएशन गुडविल की जरूरत पड़ती है। कह रहा है चेंज इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, ये सारा चीज इसकी जरूरत पड़ती है।
लीजिए जी। तो ये हो गया गुडविल जी, नहीं हाँ जी सर। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल, नहीं तो मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन का जो पढ़ेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहा तो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप करके आप सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।